हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपका आज एग्ज़ाम था, सैटरडे को आपका एग्ज़ाम था अल्कोहल फिनोल ईथर का, आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो अब हम जो एग्ज़ाम का जो पेपर था उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 जेई के लिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर P2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपको एनहाइड्रस HI के साथ कराना है, और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर होल्थ्राइस OCH3, ठीक है। देन आफ्टर इसकी रिएक्शन आपका किसके साथ है बच्चों? इसकी रिएक्शन आपका कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ है, ठीक है। और इसका आपको प्रोडक्ट क्या है बच्चों? इसका प्रोडक्ट आपको P1। अब आपको बताना है कि P1 और P2 आपका क्या होगा। आई होप कि क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनहाइड्रस का मतलब कोई भी आपका पोलर प्रोटिक मीडिया नहीं है, यहाँ पर पोलर प्रोटिक मीडिया नहीं है, ये आपका नॉन पोलर मीडिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका पोलर प्रोटिक मीडिया होगा। अब देखो अगर आपका पोलर प्रोटीन मीडिया हुआ बेटा, तो यहाँ पर हम जो मैकेनिज्म होती है SN1 और SN2, एनहाइड्रस जहाँ पर भी लिखा रहे उसको नॉन पोलर मीडिया के हिसाब से हम उसको एनालिसिस करेंगे बच्चों। तो इसको नॉन पोलर मीडिया के हिसाब से, तो नॉन पोलर मीडिया मतलब SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, और ये आपके SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। अगर SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसके लिए बात करूँ प्रोडक्ट P1 के लिए बच्चों, तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3। आई होप सो कि आपको ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर मैं इसमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हो ये इसकी तरफ अटैक करेगा, इसने यहाँ अटैक किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? CH3 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 OH + CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? I- आपका अटैक करेगा SN1 के थ्रू, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जैसा मैंने आपको बताया था ईथर का रिएक्शन HI के साथ उसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 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 I और यहाँ पर CH3 OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट P1 है वो क्या होगा बच्चों? ये होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट P2 की। देखो प्रोडक्ट P2 के लिए फॉर P1, अगर मैं P2 के लिए बात करूंगा, तो P2 आपका एनहाइड्रस कंडीशन है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका फॉलो होगा। तो SN2 मैकेनिज्म मतलब लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन पे आपका I- अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर HI ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका CH3 CCH3 CH3 OCH3। अब देखो बच्चों ये आपका H+, अब यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा? देखो SN2 मैकेनिज्म में तो लीस्ट हिंड्रेड पोजीशन पे आपका I- अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक करेगा, ये पोजीशन आपका यहाँ खुलेगा, तो आपका क्या बनेगा? CH3 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 OH और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? CH3 I। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, देख लेते हैं प्रोडक्ट P1 और P2 रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर P1, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? CH3 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 CH3
बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। पी वन प्रोडक्ट आपका क्या है? बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी एच थ्री थ्राइस सी आई, देखो वही आ गया। और आपका यहां पर सी एच थ्री ओ एच, देखो आ गया। और प्रोडक्ट पी टू बी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? सी एच थ्री होल थ्राइस सी ओ एच और यहां पर सी एच थ्री आई। आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लिया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। एक बार थोड़ा सा इसमें एनहाइड्रस और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन का ध्यान रखना था। काफी इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों का अच्छा
आप लोगों ने किया होगा इसको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको किस तरीके से अप्रोच करना है इसको समझना बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है आपको, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करना है। ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में बच्चों एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C4H10OXO, ठीक है, does not react with sodium metal। अरे वाह बहुत अच्छी बात आपको बता दी है यहाँ पर, does not react with sodium metal। ठीक है देखते हैं, सबसे पहले इसका मैं DOU निकाल लेता हूँ, DOU कितना आएगा बच्चों इसका, जीरो। ठीक है DOU कैसे निकालते हैं आपको, आई होप कि आपको GOC में आपने पढ़ा होगा DOU आपको किस तरीके से निकालना होता है। ठीक है तो DOU इसका जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये या तो ये होगा, ये या तो आपका ये होगा, या तो आपका ये कंपाउंड हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, ये इथर यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। एक या तो आपका अल्कोहल होगा, मैं एज एग्जांपल बोल सकता हूँ कि यहां पर एक अल्कोहल हो सकता है और एक क्या हो सकता है बच्चों, यहां पर इथर हो सकता है। ठीक है अब हम समझते हैं यहां पर कि यहां पर आपका सोडियम के साथ, अल्कोहल आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन यह आपका सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है मैंने बताया था क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है नेक्स्ट आपका विद एक्सिस ऑफ HI इट गिव एल्काइल आयोडाइड, मैंने HI का रिएक्शन इसके साथ नहीं करवाया था आपका, HI का रिएक्शन मैंने इसके साथ आपको बताया था, तो HI का रिएक्शन अगर इसके साथ करेगा तो यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड ही आपको मिलता है। आई होप सो कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया होगा। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा है कि कंपाउंड आपका क्या होगा, कंपाउंड आपका क्या होगा, कंपाउंड आपका 100% क्या हो सकता है, वन टाइप ऑफ एल्काइल आयोडाइड। देखो आप ध्यान से, यहां पर ईथर आपके ये भी हो सकता है, ये हो गया पहला ईथर। ठीक है दूसरा ईथर आपका ये भी हो सकता है बच्चों, CH3O CH2 CH2 CH3, ये भी हो सकता है, दो ईथर है। अगर मैं इससे अगर मैं एल्काइल आयोडाइड के एक्सिस में रिएक्शन कराऊंगा तो वही रिएक्शन देखो, सबसे पहले ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2OH+CH2CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा CH3CH2OH और साथ में आपका CH3CH2I। Now, मैंने HI को एक्सिस में लिया है तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CH3CH2I आपका हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है अब इसकी बात करेंगे तो ये तो आपका अल्कोहल तो होगा ही नहीं, आपको मैंने पहले बता दिया यहाँ पर। अब इसके बारे में देखेंगे तो अगर मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ कराऊंगा, इसकी रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कराऊंगा तो यहाँ अटैक करेगा तो CH3OH+CH2CH2CH3। ठीक है अभी आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अटैक करेगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये वाला ग्रुप आपका लीव होगा तो CH3CH2CH2OH नाउ लेस यहाँ पर CH3I। ठीक है अब मैंने एक्सिस में रिएक्शन कराया HI के एक्सिस में तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3CH2CH2I। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने इसके हिसाब से चला होता तो यहाँ पर दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड मिलते, लेकिन यहां पर क्या हुआ दो सिमिलर एल्काइल आयोडाइड मिले। तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि इट गिव ओनली वन टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो आपका कौन सा होगा, अब इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नोमेनक्लेचर देखो 1 2, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे एथॉक्सी और यह क्या होगा इथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है तो आपका क्या होगा आंसर बेटा, एथोक्सी एथेन इज करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है तो इसमें और भी आपके इथर हो सकते हैं, और भी इथर हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पर थर्ड में इसका भी बना लूंगा, तो इसके हिसाब से आप लोग बना के देखना बच्चों, इसके हिसाब से आप लोग अब एक बार कोशिश करके देखना कि इसके हिसाब से क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके हिसाब से आप लोग मुझे प्रोडक्ट बना के HI के एक्सिस में मुझे आप
कमेंट करना, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये क्वेश्चन बच्चों काफी इजी है, मैंने आपको बताया था, आई होप कि आप लोगों को आता होगा, ये क्वेश्चन काफी इजी था, आई होप कि ये क्वेश्चन सब ने किया होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बच्चों, ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका SO3H, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपके 3 मोल ऑफ Br2 इक्विवेलेंट के साथ करवाना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था यहाँ पर Br2 क्या है, एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन का मतलब आपका क्या दिया हुआ है, वॉटर दिया हुआ है। एक्वस कंडीशन का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वॉटर दिया हुआ है, काफी इजी है। तो वॉटर के प्रेजेंस में यह आपका ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा आपका मेजर पॉइंट आपका ये होता है कि सर यहां से SO3 क्यों लीव कर गया। देखो SO3 ध्यान से समझना बच्चों, वॉटर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, वॉटर के प्रेजेंस में आपका SO3 डीसल्फोनेट हो जाता है, SO3 ग्रुप का डीसल्फोनेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, यह आपका किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप की तरह यह आपका क्या करेगा बच्चों, बिहेव करेगा। तो आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझते नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हाँ बेटा ये तो 29, देखो, फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडिली देन बेंजीन, बेंजीन के कंपेयर में वो ज्यादा क्यों है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये आपका फिनोल है, ठीक है, यहां पर आपका फिनोल है। अब यहां पर फिनोल की वजह से, फिनोल का अगर मैं रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाऊंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं फिनोल का रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाऊंगा तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका लोन पर नीचे, ये इधर, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका इस तरीके से बनेगा, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, ठीक है। और बेंजीन का आपका क्या होगा बच्चों, बेंजीन का आपका सिंपल कोई चार्ज नहीं होगा, दोनों चार्ज इक्विवेलेंट होंगे, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, हमने बना लिया। द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो दोनों में सिमिलर है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो इसका तो कुछ नहीं बोल सकते, इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का कोई इसमें लेना देना नहीं है। द इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विच इज बेटर अकोमोडेटेड देन ऑन ऑक्सीजन, कार्बन से ज्यादा अच्छा से नहीं, ऑक्सीजन आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज को आपको कैसे कैरी करेगा, वो आपके पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा ही नहीं कार्बन से अच्छा, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इन वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, यहां पर सभी एटम का आपका क्या है बच्चों, कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट, OH ग्रुप इज ऑर्थोपेराइड डायरेक्टिंग विच लाइक ऑल अदर ऑर्थोपेराइड डायरेक्टिंग इज ग्रुप इच ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, नहीं नहीं सबकी तरह थोड़ी ना होता है बच्चों, ये सबकी तरह नहीं होता, O माइनस आपका ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ये आपके सबकी तरह इस तरीके से नहीं होगा। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर का आपका कंप्लीट ऑक्टेट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्यों, डी क्यों नहीं हुआ, डी में ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग करेक्ट है लेकिन सबकी तरह नहीं है, क्योंकि इसके ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग की टेंडेंसी कम होती है ओ माइनस के कंपेरिजन में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों से इजीली हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 को अब हम ध्यान से समझते हैं। देखो ये आपका पेपर, वैसे ये पेपर आपका बेटा काफी इजी था अगर आप लोगों ने ध्यान से दिया हो तो। देखो ये रिएक्शन है, अरे वाह काफी इजी रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन आपको मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई थी, बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ता है और वहां पर क्या लगा देता है,
OH, वहां पर क्या लगा देता है OH, तो यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, यहां पर डबल बॉन्ड हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, CU के साथ हीट करना है, CU के साथ हीट करना है। देखो अब CU के साथ हीट करना है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, CU आपका यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो CU आपका 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तो बेटा आपका रिएक्शन देता ही नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, यहां पर आपका ये आपका कीटोन, ये आपका कीटोन, यहां पर CH3OH। हां यहां पर अगर मैं बोलता कि एक्सिस CU तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता, कौन सा हो जाता बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों इसका, बी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एक्सिस में दिया होता तो यहां पर एलिमिनेशन करा के भी आपको अगर प्रोडक्ट दिया होता तो आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट को टिक करते, ध्यान से समझ लेना बच्चों, अगर कॉपर आपको एक्सिस में दिया होता तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट भी हम लोग टिक करते, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ऑप्शन में नहीं था इसलिए क्वेश्चन आपका इजी हो गया, अगर ऑप्शन में एलिमिनेशन दिया होता तो आपका क्वेश्चन टफ हो जाता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन नंबर 31 काफी इजी क्वेश्चन है, देखो CH3OC2H5, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या है CH3 thrice का मतलब तीन है, ठीक है, वेरी गुड, CH3 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 O CH3, ठीक है। अब क्या बोला है, आर ट्रीटेड विद हाइड्रोआयोडिक एसिड, बहुत अच्छा, HI के साथ, इसको भी HI के साथ, हाइड्रोआयोडिक एसिड काफी अच्छा है, हाइड्रोआयोडिक एसिड सेपरेटली द फ्रेगमेंट्स आफ्टर रिएक्शन इज ऑप्टेन, वेरी गुड, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ये यहां अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनेगा CH3OH plus C2H5, नाउ आपका आयोडीन आपका SN2 रिएक्शन शो करेगा तो ये आपका लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3I plus यहां पर C2H5OH, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मैं इसके लिए बात करूंगा तो यहां पर ये यहां अटैक करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3 यहां पर OH plus यहां पर CH3। नाउ अब यहां पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा तो आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, अब यहां पर कार्बोकैटायन अगर आपका फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों C+ CH3 CH3, और यहां पर I- अटैक करेगा और यहां पर CH3OH, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों CH3 whole thrice CO यहां पर I, ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच खा रहा है बच्चों निकाल लो, ये आपका ए ऑप्शन से मैच खा रहा है तो इसका ए ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ठीक है बेटा, कभी भी ध्यान रखो पेपर सोल्व करते टाइम हमको ऑप्शन नहीं देखने, केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करते टाइम हमको ऑप्शन नहीं देखने, हमको ऑप्शन तब देखने की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिक में जब आपका चेन रिएक्शन होता है या फिर एसिडिक ऑर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन आप लोगों की आदत क्या है कि आप सबसे पहले ऑप्शन नहीं देखते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो रिएक्शन के टाइम हमको ऑप्शन नहीं देखना, हमको बस अप्रोच की ओर चलना है, अगर हमारे रिएक्शन अप्रोच तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमको ऑप्शन में फिर हमको जाना चाहिए, अगर हम अप्रोच तक पहुंच ही रहे तो हमको ऑप्शन कभी नहीं देखना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पर आपको चार एसिडिक दिए, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, आई होप सो कि आपने GOC में तो इसको अच्छे से एसिडिक स्ट्रेंथ कर लिया है, तो देख लेते कौन कौन से, एक आपका फिनोल है, ठीक है ये मैंने बना दिया फिनोल, ठीक है ये मैंने फिनोल बना दिया, ठीक है अब यहां पर मैंने फिनोल बना दिया, उसके बाद मैंने यहां पर इथेनॉल भी दिया हुआ है, वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है CH3OH, ठीक है इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है क्लोरोएसिटिक एसिड मतलब ClCH2COOH, वेरी गुड। नाउ आपको क्या दिया हुआ है एसिटिक एसिड, अब देखो इसको क्या बोलेंगे C00OH, ठीक है बच्चों ये आपका है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो जैसा कि मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज मोर एसिडिक
मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे समझो ध्यान से। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड मैंने बना दिया, आप देखो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखो काफी इजी है। देखो यहाँ पर क्लोरीन आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है ये आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तो ये आपके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा था। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड है, दोनों आपका कार्बोक्सिलिक है, तो इन दोनों में कौन, इन दोनों में ये आपका ज्यादा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इथेनॉल और फिनोल में आप जानते हो यहाँ पर फिनोल आपका ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द रेजोनेंस। यहाँ पर जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनोक्साइड आयन, विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इथोक्साइड आयन, ठीक है, ये आपका इथोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इथोक्साइड आयन। सो दैट्स व्हाई द यहाँ पर आपका फिनोल आपका मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू इथेनॉल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू प्रिपेयर द टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसाइसिस रिएक्शन। तो आप लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, और यहाँ पर मैंने फिर से रिपीट किया था। आई होप कि आपको वहां समझ में आ गया होगा, जिसको वहां समझ में नहीं आया होगा उसको यहाँ समझ में जरूर आ गया होगा। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर है, वेरी गुड, ठीक है, बाय विलियमसन सिंथेसाइसिस। टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर को हमको प्रिपेयर करना है किससे, विलियमसन सिंथेसाइसिस रिएक्शन से। तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, इसके लिए दो पाथ हम डिसाइड कर लेते। ये मेरे पास पाथ वन, क्या मेरे पास ये हो सकता है बच्चों, ये O माइनस और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3OH, ठीक है, या मैंने ये ले लिया बच्चों, देखो CH3XX आ जाएगा, या मैंने ये ले लिया, देखो CH3CH3X और यहाँ पर CH3O-Na+, ठीक है, ये मेरे पास है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी सिंपल था। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस रिएक्शन में बताया था कि विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस रिएक्शन में आप लोगों का 3 डिग्री हैलाइड आपका हो नहीं सकता, तो आपका कौन सा पाथ गलत है बच्चों, ये आपका पाथ टू है, तो आपका कौन सा पाथ गलत होगा बच्चों, पाथ सेकंड इज इनकरेक्ट, पाथ फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, और इसका नाम क्या होगा, इथाइल हैलाइड, मतलब इथाइल का प्रिपरेशन करना है बच्चों यहाँ पर CH2CH3, यहाँ पर आपका क्या जाएगा CH2CH3। आई होप सो कि मैंने यहाँ पर देखा नहीं था बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर इथाइल वाला का करना है, तो यहाँ पर CH3CH2X, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल हैलाइड, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोलता क्या है, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में हम समझते हैं, यहाँ पर सब जगह आपको फेलिंग टेस्ट दिया हुआ है, फेलिंग सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार, ये मैं आपको पढ़ाता किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, CuSO4 की रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CU2+ कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो कैसे बनेगा इसको हम समझ लेते हैं,
देखो फेलिंग सॉल्यूशन वैसे मैं एल्डिहाइड कीटोन में अच्छे से लूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ गया है तो उसके हिसाब से आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पर सी एच टू ओ एच, यहाँ पर सी एच ओ एच, सॉरी यहाँ पर सी एच सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पर आएगा सी डबल ओ एच, यहाँ पर सी एच ओ एच, यहाँ पर भी आपका सी डबल ओ एच। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का मतलब ये प्लस ये के प्लस। अब जब मैं इसकी रिएक्शन सी यू प्लस टू के साथ कराऊंगा तो यहाँ से ये डिस्प्लेस होगा और यहाँ पर आपका इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सी यू टू प्लस सी एच ओ एच, यहाँ पर सी एच ओ एच, यहाँ पर सी ओ। ये कॉम्प्लेक्स आपका फेलिंग कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, फेलिंग कॉम्प्लेक्स होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें हमको समझना है कि फेलिंग टेस्ट इज ओनली फॉर व्हाट। ये आपका एल्डिहाइड के लिए करेगा, एल्डिहाइड के लिए करेगा, लेकिन एच सी ओ एच के लिए एच सी ओ एच के लिए नहीं होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं होगा। सॉरी, ये आपका एल्डिहाइड के लिए करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी नहीं करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड में नहीं देगा, और ये आपका कीटोन में टेस्ट नहीं देगा। तो केवल और केवल किसमें दे रहा है बच्चों, एल्डिहाइड में। अब हमको क्या करना है कि देखो अब हमको समझना है कि अब मैं इसके ऑप्शन की ओर चलते बच्चों, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन से निकलेगा। देखते हैं, वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल। ठीक है, वेरी गुड, वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल। तो इसका स्ट्रक्चर बना ले, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल आपका होता क्या है। ठीक है, तो वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल का बनाना था अल्कलाइन केमेनोफोर। अल्कलाइन केमेनोफोर तो आपका बेयर्स रिएजेंट होगा, तो बेयर्स रिएजेंट के साथ तो कोई टेस्ट नहीं होगा बच्चों। बेयर्स रिएजेंट के साथ मतलब अल्कलाइन केमेनोफोर, अल्कलाइन केमेनोफोर नो रिएक्शन, वो तो आपके एल्किन के लिए बच्चों। ठीक है, आई होप की। अब देखो एसिडिक डाइक्रोमेट मतलब H2Cr2O4। ठीक है, H2Cr2O4 एसिडिक डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7। सॉरी, इसका मैंने आपको बताया था, ये आपको केवल और केवल सीधा एल्डिहाइड में नहीं, ये आपका किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से आपका कीटोन, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट लगा ही नहीं सकते बच्चों। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट Cu के साथ, Cu आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपका क्या करेगा, CH3CH2COH, ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका CH3CH2C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH3। अब ये आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ये आपका फेलिंग टेस्ट दे देगा और रेड कलर सॉल्यूशन आ जाएगा, रेड कलर प्रेसिपिटेट निकाल देगा। तो हमको पता पड़ जाएगा कि रेड कलर प्रेसिपिटेट निकला मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड है, और इन दोनों में अंतर पता पड़ जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अब लास्ट ऑप्शन है बेचा, ये आपका ए, ये आपका बी का मैंने बता दिया, ये यहाँ पर सी डी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नॉट यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल, एल्कोहल के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन, वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन अबव कंपाउंड ऑन बीइंग वार्म विद आयोडीन सॉल्यूशन एंड NaOH विल गिव हैलोफॉर्म। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने अल्काइल हैलाइड में आपको पढ़ाया था हैलोफॉर्म रिएक्शन में, और मैंने आपको बताया था वही आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा जिसमें जिसके अंदर कौन सा फ्रेगमेंट होगा। बच्चों ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, जिसके अंदर ऐसा फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा, ऐसा फ्रेगमेंट जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि NaOH और I2 is used as weak oxidizing agent, बताया था मैंने, weak oxidizing agent की तरह भी use होता है।
तो अगर मेरे पास यहाँ पर CH3CH2OH है, तो यहाँ पर CH3 यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन CH3CH CH3OH, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से यहां पर आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसा फ्रेगमेंट है। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ, फोर्थ में क्या है बच्चों, CH3OH, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो CH3CO फ्रेगमेंट किसमें है बच्चों, इसमें है, इसने रिएक्शन नहीं किया, लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा तो लेकिन यहाँ फ्रेगमेंट तो होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ऐसा फ्रेगमेंट है, यहाँ पर क्या CH3CO फ्रेगमेंट है, नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब देखो विलियमसन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल। देखो प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो एनिसोल आपका क्या होता है, ये होता है, ये OOCH3। अब देखो विलियमसन ईथर सिंथेसाइजेस है, तो हम फिर से पाथ वन और पाथ टू बना लेते हैं, ये पाथ वन और यहां पर मैंने बना दिया पाथ टू। अब देखो यहां पर मैंने अगर एक पॉसिबिलिटी में O माइनस Na प्लस ले लिया और यहां पर CH3X ले लिया, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी में मैंने यहां पर ये ले लिया X और यहां पर CH3O-Na+। अब देखो क्या ये आपका SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होगा, रिएक्शन आपका SN2 के थ्रू प्रोसीड होगा, लेकिन आप लोग जानते हो बच्चों यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका रेजोनेंस करके यहां पर क्या क्रिएट कर देगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट करेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट होने की वजह से ये वाला पाथ आपका गलत होगा और ये वाला पाथ आपका करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है, Na की तो रिक्वायरमेंट होती है, Na की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, Na आपका एज अ Na क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर जो आपका सबसे पहले इसमें क्या करेगा, मैं इस रिएक्शन को एक्सपांड करता हूँ बच्चों, तो समझना, CH3OH सबसे पहले Na के साथ रिएक्शन करके मेथॉक्साइड बनाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड, फिर ये इसका इसके साथ आपका SN2 पाथवे के साथ रिएक्शन, सॉरी ये वाला नहीं बच्चों, ये इसके साथ बनाता हूँ, ये तो आपका पाथ गलत है, तो इस पाथ के साथ हम बनाते हैं, देखो OH है, ये आपका Na के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा। अब सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा वाया SN2 मैकेनिज्म और यहाँ पर क्या बना देगा बच्चों, ये रिएक्शन तो मैंने आपका फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टी में भी मैंने डिस्कस किया है बच्चों, सेम रिएक्शन मैंने फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर Na तो होगा, CH3Cl हाँ होगा, यहाँ पर CH3 हो, ये फिनोल होगा, और क्या नहीं होगा बच्चों, ये नहीं होगा, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड फिनोल। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आई होप सो कि आपको आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, अब देखो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ऑप्शन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें बताया था बच्चों क्लोरोबेंजीन में NaOH प्रेशर आपको 200 ATM, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर आपको 623 केल्विन ऐसा कुछ था, ठीक है, 200 ATM या फिर 300 ATM भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O और H+ के प्रेजेंस में। तो मैंने आपको बताया था बेंजाइन पाथवे के अकॉर्डिंग मैंने इसका मैकेनिज्म आप लोगों को अच्छे से लिखवाया था, तो बेंजाइन पाथवे के अकॉर्डिंग हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेंजाइन पाथवे के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करता तो यहाँ पर मैंने ये बनाया था बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, डाओ प्रोसेस, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, डाओ प्रोसेस मैंने बताया था इसका नाम, ठीक है। नाउ एनिलीन सेकंड, अब देखो बी ऑप्शन एनिलीन था हमारे पास, एनिलीन की रिएक्शन मैंने NaNO2 और HCl के साथ कराया था। जब देखो NaNO2 और HCl के साथ कराया था तो बेंजीन डाई आयोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हुआ था N2+Cl-। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा,
देन आफ्टर इसको मैंने H2O वार्म के साथ कराया था, तो मैंने आपको बताया था 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे आपका बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, लेकिन वार्मिंग कंडीशन में ये आपका क्या कर देगा, ये आपका SN1 मतलब यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और ये आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ाया है और आपको बहुत जगह ये क्वेश्चन तो मैंने लिया है। ओलियम, ओलियम के साथ क्या होगा बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन, ये आपका SO3H, अब इसकी रिएक्शन Na के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, SO3 Na बन जाएगा। नाउ इसका इसको अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, अब इसको मतलब हीट करूंगा NaOH-, तो यहाँ पर आपका ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन था, SO3 आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता था, तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्वस दिया है लेकिन आपका प्रेशर और ATM कम कर दिया है, ध्यान से समझना बच्चों। डी क्वेश्चन में आपको प्रेशर वेशर कम कर दिया, यहाँ पर 1 ATM प्रेशर, मतलब 1 ATM प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आपका कभी रिएक्शन नहीं होगा, इस टेम्परेचर पे आपका कभी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन ये है कि ये आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हटाना बहुत टफ काम होगा, और ये SNAR या फिर बेंजाइन पाथवे के लिए आपको जहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के लिए आपको क्या होना चाहिए बच्चों, ये वाले बॉन्ड को वीक करना पड़ेगा। वीक करने के लिए क्या लगाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे या तो टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे या तो टेम्परेचर और प्रेशर को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे इसमें किया है। अगर मुझे इसमें प्रेशर और टेम्परेचर को कम करना होता तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता, तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर आपका अपने आप क्या हो जाता बच्चों, कम हो जाता। काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, डी ऑप्शन से आपका फिनोल कभी नहीं बनेगा, तो इसका डी ऑप्शन काफी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या पूछा है, बेंजाइलिक एल्कोहल, बच्चों ये तो IUPAC नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है आपका, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 38, Which of the following are not benzylic alcohol? आपका benzylic alcohol कौन सा नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो होता क्या है, पहले benzylic alcohol उसके बारे में बात कर लेते बच्चों। तो benzylic alcohol आपका क्या होगा कि अगर आपके बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा है, कार्बन से जो अगर OH जुड़ा रहेगा, इस फ्रेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। इस फ्रेगमेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। बच्चों मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर इजी भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और टफ भी कर रहा हूँ, सब टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली अप्रोच करने का मेथड बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से उसके सॉल्यूशन तक पहुंचाया जाता है। आप अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आई होप कि आप लोगों को काफी हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, देखो C6H5 की जगह मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर CH2OH, क्या ये बेंजाइलिक होगा, इस कार्बन पे लगता तो आपका बेंजाइलिक होता क्या, ये आपका बेंजाइलिक नहीं है, पहला एक ऑप्शन गलत है। सेकंड, यहाँ पर आपका क्या है C6H5, यहाँ पर CH2OH, ये आपका बेंजाइलिक है। थर्ड, C6H5, वेरी गुड, CH2CH3OH, क्या ये बेंजाइलिक है, ये भी नहीं है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, C6, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, C के पास लगा, ये भी आपका बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक कौन कौन से है बच्चों, ये आपका थर्ड सेकंड और फोर्थ, और बेंजाइलिक कौन कौन से नहीं है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से एसिडिक कैरेक्टर का है, एसिडिक कैरेक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का किस तरीके से हम इसको डील करेंगे, तो देख लेते हैं। अरेंज इन द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, मैं सीधा लिख देता हूं, अरेंज इन करेक्ट
अरेंज इन करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर के फॉर्म में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में आपको अरेंज करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको क्या क्या दिया हुआ है वो मैं देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये आपका पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ये आपका पैरा क्लोरोफिनोल, पैरा क्लोरोफिनोल वेरी गुड, और आपका क्या दिया हुआ है पैरा क्रिसोल। इसमें आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नहीं दिया हुआ है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दिया होता तो आपका एसिडिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा हो जाता। एसिडिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता तो काफी अच्छा हो जाता बच्चों आप लोगों का। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है पैरा क्रिसोल, तो ये आपका OH, और यहाँ पर आपका क्या होगा फिनोल। तो मैं इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर पैरा हो यहाँ पर पॉम, अगर आपको देखो पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल आपका क्या होगा बच्चों ज्यादा एसिडिक होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका क्या होगा ज्यादा इससे लेस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पर मेटा नाइट्रोफिनोल, ये ऑर्डर को आप हमेशा ध्यान रखो। नाइट्रोफिनोल के लिए आप हमेशा पॉम वर्ड को ध्यान रखो, पैरा नाइट्रो पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है, पैरा ऑर्थो मेटा इस वर्ड को ध्यान रखोगे तो आई होप सो कि आप कर लोगे। पॉम किसके लिए नाइट्रोफिनोल के लिए, बस सिंपल इस तरीके से ध्यान रखो, ये ध्यान रखने का अप्रोच है बेटा। लेकिन ये एक्चुअली अप्रोच हमेशा नहीं होता, ये मैंने ध्यान रखने के लिए आपको बताया। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा फिनोल, मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन केवल और केवल ये तो आपका माइनस एम के थ्रू और माइनस आई, लेकिन इसका माइनस आई ज्यादा होता है माइनस एम से। ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस एच, यहां पर कुछ नहीं है। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां कहां लग रहे हैं, वो आपका सबसे ज्यादा माइनस एम वाला। तो ये क्वेश्चन आपका मतलब जिस पेपर के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आपके इस पेपर के लिए डिजर्व बिल्कुल नहीं करता, ये काफी बेकार क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपके इस पेपर के लिए डिजर्व नहीं करता ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट का एसिडिक कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा, फिर आपका सेकेंड का, फिर आपका थर्ड का, फिर आपका किसका होगा बच्चों फोर्थ का, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल, फर्स्ट आपका क्या है पैरा नाइट्रोफिनोल, यह क्या है पैरा क्लोरोफिनोल, वेरी गुड, यह आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा फिनोल, फिनोल के बाद आपका थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका फिनोल, फिनोल के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों थर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये आपका। तो ये ऑप्शन आपका किससे मैच खा रहा है, देखो यहाँ पर ए ऑप्शन पैरा नाइट्रोफिनोल नहीं, पैरा क्रिसोल पहले दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पैरा क्रिसोल और पहले दिया हुआ है बी में, हाँ बच्चों सी से मैच खा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, इसमें सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट एज कम्पेयर टू ऑल अदर्स, ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो 40 क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर्म्ड इन अ गिवन रिएक्शन, अरे वाह, ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनिसोल का है। अब आप लोगों को ये बात थोड़ा सा माइंड में क्लिक किया होगा, मैं एक एक करके सबके लिए बनाता हूँ प्रोडक्ट, आई होप कि आपको यहाँ पर रिविजन हो जाएगा, आपको सारे रिएक्शनों का एक बार रिविजन हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, वेरी गुड, काफी अच्छा है, कोई बात नहीं। फिर आपका क्या दिया हुआ है CH3Cl और साथ में CH2,
CH2 से डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, आपको AlCl3 दिया हुआ है, CH3Cl दिया हुआ है, ये क्या है? ये एक्चुअली में आपका फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या है? फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। बस CH2 तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा बेचारा, ठीक है। तो अब देख लो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे तो यहां पर आपका यहां CH3 बनता था। मैकेनिज्म मैंने आपको कॉपी में लिखा है, आप मैकेनिज्म के थ्रू भी आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को मैकेनिज्म समझना हो तो वो मुझे बता दे बच्चों, आई होप कि मैं उसको मैकेनिज्म अच्छे से बता दूंगा फिर से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम है अच्छे से पढ़ना। एक दो बार अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट मैंने बताया था, ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज माइनर प्रोडक्ट, बट नाइट्रोफिनोल के केस में वो आपका मेजर होता है, ठीक है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एनहाइड्रस AlCl3 CH3COCl। अरे वाह, ये आपका क्या है? ये आपका फ्रिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। वेरी गुड, काफी सिंपल है। तो फ्रिडेलक्राफ्ट असाइलेशन आपका क्या होगा, OCH3 यहां पर COCl, और यहां पर क्या होगा बच्चों, एक आपका ऐसा प्रोडक्ट बनेगा OCH3COCl। फिर बताओ आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ये आपका मेजर होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन था, ठीक है। नाउ H2SO4, बट बच्चों ये तो और इजी कर दिया है, HNO3 और H2SO4। देखो ये तो आपका कौन सा है, नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो आप कैसे होगा, OCH3 ये आपका NO2, OCH3 ये आपका NO2, ठीक है, ये आपका NO2। अब देख लेते हैं यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। आप देख लेते हैं फटाफट बच्चों, ये सारे माइनर होंगे, ये आपके मेजर होंगे। आपसे पूछा था मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे माइनर होंगे बच्चों, ध्यान रखना। मैंने माइनर भी इसलिए बनाया है क्योंकि आपको रिएक्शन याद हो जाए, ठीक है। मेरा ऐसा थीम नहीं है, अगर इसका आंसर तो मैं सीधा बोल सकता था आप लोगों को, लेकिन मैंने रिएक्शन इसलिए लिखा है कि आपको रिएक्शन एक और बार देखने को मिले और आपको याद हो जाए, ठीक है। देख लो फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, मेजर आपका क्या होगा, फोर मैं बोलता हूं इसका नाम क्या होगा, 4-methoxytoluene। इसको टोलुइन बोलेंगे ना बच्चों, इस फ्रेगमेंट को, तो क्या हो जाएगा, 4-methoxytoluene इसका नाम, ठीक है, टोलुइन। इसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ, इसका नाम क्या होगा, ये वाला आपका क्या होगा, 4-methoxyacetophenone हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम हो जाएगा 4-nitrophenol, फिनोल बना देगा यहां पर OCH3, सॉरी यहां पर हो जाएगा, सॉरी अब अलग नाम हो जाएगा इसका, 4-nitro, इसको क्या बोलेंगे एक साथ, एनिसोल, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बना दिए, काफी इजी है। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ चलने वाला रिएक्शन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 41, अच्छा तो यहाँ पर ठीक, वेरी गुड। देखो हम इसकी तरह नहीं बनाएंगे, हम अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पर C2H5 कर दिया मैंने, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने CH3 करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, CH3। अब इसकी रिएक्शन मुझे CH3CCH3CH3Cl और AlCl3 के साथ कराना है। सेकंड आपको X मिला है, X की रिएक्शन Cl2Fe के साथ, लेकिन यहाँ डार्क नहीं दिया है, आप लोग डार्क भी लिख लो, काफी अच्छा है। फिर आपकी रिएक्शन HI के साथ कराना है, Z बताना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहला आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये क्या है, स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा, फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर CCH3CH2 है क्या, CH3CH3CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब Cl2 नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा,
Cl2 में मतलब Cl plus as a electrophile होगा, Cl plus आपका as a electrophile होगा। अब ये कहाँ जुड़ेगा, अब ये कहाँ जुड़ेगा, मैंने आपको बताया था बच्चे यहाँ जुड़ेगा तो ऐसा ही यार, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं है, लेकिन अगर इसकी वजह से बोलूँ तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करेगा तो यहाँ, इसकी वजह से यहाँ यहाँ और यहाँ होगा, लेकिन ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी वजह से ये पोजिशन ये पोजिशन ये पोजिशन, तो लेकिन इसकी वजह से कहाँ जुड़ेगा बच्चों, इस पोजिशन पर आके जुड़ जाएगा, तो इस पोजीशन पे आके मैंने जोड़ दिया, काफी इजी क्वेश्चन था ये, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सीएल ना, और रिएक्शन आपका एचआई के साथ, अब आपको पता होगा कि एचआई के साथ ईथर करेगा तो ईथर की रिएक्शन आपकी एचआई के साथ, तो ये यहाँ आ जाएगा, देखो बच्चों इसको मैं नीचे बनाता हूँ, ठीक है, एचआई के साथ रिएक्शन यहाँ पर ये यहाँ अटैक करेगा, सॉरी बच्चों अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, देखो यहां पर मैं इसको ब्लू मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये यहां अटैक करेगा और यहां पर क्या बना देगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से OH प्लस यहां पर CH3, आप देखो कौन हटेगा, मैंने आपको बताया यहां पर I माइनस अटैक करेगा तो ये वाला तो हटेगा नहीं क्योंकि ये वाला आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कैरी करता है, ये वाला ग्रुप हटेगा तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका फिनोल क्या बनेगा, फिनोल, और यहां पर आपका पहले से सीएल था, ठीक है, यहां पर सीएल, यहां पर इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा और यहां पर आपका CH3I बन जाएगा, तो आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या बना है, मैंने सारे प्रोडक्ट बना दिए, आप अब एनालिसिस करके बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर मैं देखूंगा तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट बता रहा है बच्चों, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है बच्चों, RCH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू RCH2COOH, सीक्वेंस बताना है रिएजेंट का, ठीक है, देखते हैं एक एक करके, देखो अब इसमें हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, ऑप्शन हमें जल्दी आंसर तक पहुंचाएगा, ठीक है, रिएजेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो सारे ऑप्शन में साइनाइड दिया हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारे ऑप्शन में आपको साइनाइड दिया हुआ है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका 100% क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मतलब ये आपका साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर बना है, ठीक है, तो सबसे पहले OH का आपको इसका पहले स्टेप क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस और क्या होगा RCH2CN, ठीक है, अब इन दोनों स्टेप के बीच की बात देख लेते हैं बच्चों, तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस लास्ट स्टेप होगा बच्चों, ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस ऑप्शन ए और सी, ठीक है, CN आ गया, अब CA, अब यहां पर आपका CL के साथ रिएक्शन करेंगे तो RCH2CL हो जाएगा, फिर इसकी रिएक्शन CN के साथ करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपका प्रोडक्ट बन गया, आई होप कि आपको सीक्वेंस पता पड़ गया होगा, क्या होगा बच्चों, HCl, यहां पर KCN और यहां पर आपका क्या होगा H3O+, बस यहां पर आपका ऑप्शन सही दिया हुआ है, यहां पर एक और ऑप्शन इसमें एड कर सकता था ये कि KCN को हटा के AgCN भी दे के अच्छा क्वेश्चन बना सकता था, ठीक है, ध्यान रखना AgCN के केस में RCH2NC बनता है बच्चों, मैंने आपको बताया था RCH2NC बनता है इसके केस में, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है बच्चों, एन ईथर ए CHR, हमको पहले ही बोल दिया ईथर है तो DOU निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ईथर के लिए DOU क्या होगा, 0 होगा, देख लेते हैं यहाँ पर भी DOU फिर भी निकाल लेते हैं, कभी कभी साइक्लिक ईथर में साइक्लिक ईथर होता है और उसका DOU 1 हो जाता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो ईथर है, हमको ये नहीं बोला साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, ठीक है, तो यहाँ पर C5H12, अगर मैं C5H12 और O है इसका लिया तो क्या ये साइक्लिक ईथर होगा, इसका DOU निकालो, DOU इसका कितना आएगा 0, आई होप कि आपने पढ़ा होगा इसका DOU निकालना आपको अच्छे से आता है, इसका DOU 0 होगा तो ये आपका नॉन साइक्लिक ईथर होगा, बस बात खत्म,
नॉन साइक्लिक ईथर है, नॉन साइक्लिक ईथर का एच आई के साथ रिएक्शन कराते तो टू एल्काइल आयोडाइड बनता है। विच ऑफ एल्काइल आयोडाइड, विच ऑफ एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस कंपाउंड बी एंड सी, बी गिव्स एसिड, सी गिव्स कीटोन। वेरी गुड। क्या बोला है? ए रिएक्शन है, ए की रिएक्शन एच आई के साथ कराते हैं एक्सिस कंडीशन में, तो आपके दो दो एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है, दो एल्काइल आयोडाइड ए वन और ए टू, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो ए वन का रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बी बनाएगा और ये आपका सी बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। सी बी आपका बी गिव्स एसिड, ये आपका बी और सी ये है, बी और सी, बी आपका क्या कराता है एसिड बनाता है और ये आपका क्या बनाता है बच्चों कीटोन, और पहले ही बोल दिया है ऑक्सीडेशन है गिव्स, हाँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये देखो ये इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड कब बनेगा, जब यहाँ पर आपका एल्डिहाइड होगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन कब बनेगा, जब यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका क्या होगा 1 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ पर आपका क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एच आई के साथ, और साथ में मैंने एन ए ओ एच के साथ हाइड्रोलाइसिस भी करा दिया, तब आपका ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको मैं ब्रॉडली लिखता हूँ बच्चों, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं इसको ब्रॉडली लिखता हूँ, ध्यान से समझना। ये आपका ए कंपाउंड है, ए से मेरा ए वन निकला और ए टू निकला, ठीक है, ए वन निकला और ए टू निकला, फिर इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया एन ए ओ एच के प्रेजेंस में, एन ए ओ एच के प्रेजेंस में मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, ये मैंने बना बी और सी। अब बी बी हमेशा ऑक्सीडेशन पर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी आपका एसिड में, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है कीटोन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये मतलब आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है एल्कोहल, ठीक है प्राइमरी एल्कोहल होगा। अब देखो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो NaOH आपका हटेगा, तो यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री हैलाइड होगा। अब देखो अब आपको ऐसा कंपाउंड बनाना है, ऐसा एक कंपाउंड बनाना है जिससे आपका 1 डिग्री हैलाइड और 2 डिग्री हैलाइड निकले, तो देखते हैं 1 डिग्री हैलाइड और 2 डिग्री हैलाइड आपका कैसे निकलेगा, तो देख लेते हैं ध्यान से, काफी इजी है। तो यहां पर हमको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए CH3O CH2 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 CH3, अगर इसका मैं एच आई के साथ हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा एक्सिस में, तो बच्चों आई होप कि मैं अब सीधा प्रोडक्ट लिखता हूं, मैकेनिज्म आपको इसी एग्जाम में 5-6 बार बता दिया है, ठीक है। तो यहां पर CH3I और यहां पर CH2 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 CH3I, दोनों आपका 1 डिग्री हैलाइड है, गलत, एब्सोल्युटली गलत, ये आपका 100% गलत, बी ऑप्शन। यहां पर C2H5, बहुत अच्छा, ठीक है, यहां पर CH2 CH2 CH3, इसका अगर मैं एच आई एक्सिस में कराऊंगा तो क्या होगा C2H5I और यहां पर CH3 CH2 CH2I, ये भी आपका एब्सोल्युटली गलत, दोनों आपका 1 डिग्री एल्कोहल बना दिया, दोनों आपका 1 डिग्री हैलाइड बना दिया, तो गलत होगा ही सही। अब देखते हैं बच्चों यहां पर सी ऑप्शन, C2H5O CH CH3 CH3, अब इसका कराएंगे तो क्या बनेगा एच आई के साथ एक्सेस में, देखो बच्चों यहां पर C2H5I, यहां पर I CH CH3 CH3, ये आपका 2 डिग्री हैलाइड और ये आपका 1 डिग्री हैलाइड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझना चाहोगे तो इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, और फिर आपका क्या आ गया एसिडिक ऑर्डर वाला, ठीक है, तो फिर हम निकाल लेते हैं एसिडिक ऑर्डर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एसिडिक ऑर्डर पहले देख लेते हैं, सारे ऑप्शन में सिमिलर है ना, हाँ कंपाउंड सारे सिमिलर दिख रहे हैं, हाँ सारे कंपाउंड आपके सिमिलर, इथेनॉल ना 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 ना
सारे सिमिलर नहीं है, तो 44 में देख लेते हैं, सारे बनाने पड़ेंगे बच्चों। CH3 देखो, इसको मैं ब्रॉडली बनाता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, आपको क्या बताना है, करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 CH3 CH3, यहाँ पर COH, ये आपका फर्स्ट, यहाँ पर CH3 CH3 CH2 OH, ये आपका सेकंड, बहुत ही अच्छा। थर्ड आपका दिया हुआ है इथेनॉल CH3 CH2 OH, करेक्ट है, ठीक है। अब बेटा इसमें आई होप कि सारे ऑप्शन सेम है बच्चों, यहाँ पर नाम चेंज किया हुआ है नाम के हिसाब से, देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर आपका 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। एक में आपको इथेनॉल दिया हुआ है, सेकंड वाले में आपको इथेनॉल दिया हुआ है, इसका नाम आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, सब में दिया हुआ है। इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सब में दिया है। इसका नाम इथेनॉल, सब में दिया हुआ है। इसका नाम प्रोपेनॉल, सब में दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्रोपेनॉल सेकंड को छोड़ के सब में दिया हुआ है, सेकंड में मेथेनॉल है, ठीक है। तो मेथेनॉल वाला भी आपको यहाँ पर मैं मेथेनॉल भी लिख देता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे लिख दिए बच्चों ने। अब देखो, अब इसमें आपका एसिडिक ऑर्डर निकालना है, तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा ध्यान से समझना। एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ध्यान से समझना, एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां तक हो गया। अब देखते हैं कि यहां पर देखना, ये सारे के सारे आपके कौन से हैं बच्चों, सारे के सारे ग्रुप, सारे के सारे ग्रुप बच्चों आपका प्लस आई शो करने वाले हैं, सारे के सारे ग्रुप आपका प्लस आई इंडक्टिव शो करेगा, ठीक है। प्लस आई ये भी आपका प्लस है। देखो आप सबसे पहले जो आपका कम प्लस आई शो करेगा वो ज्यादा आपका होगा, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा बच्चों, फिफ्थ मेथेनॉल, मेथेनॉल के बाद आपका कौन आ जाएगा, फोर्थ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ नहीं, यहाँ पर इथेनॉल आपका थर्ड है, थर्ड आ जाएगा। थर्ड के बाद आपका कौन आ जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब इसके बाद आइसो आएगा कि ये आएगा, देखो यहाँ पर इसकी वजह से दो कार्बन, आपको पता है डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, दो कार्बन के बीच, यहाँ पर डिस्टेंस तीसरे वाले कार्बन का प्लस आई कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो आई होप सो कि इसमें आंसर मैच करेंगे, तो कहीं आपको मेथेनॉल दिया हुआ है, तो देखो ए ऑप्शन में आपको इथेनॉल और 1 प्रोपेनॉल गलत है, इथेनॉल और 1 प्रोपेनॉल यहाँ पर आपका उल्टा गलत है बिल्कुल, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, सबसे कम एसिडिक है बच्चों वो, डी ऑप्शन में इथेनॉल, इथेनॉल के बाद आपका इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, मतलब यहां से स्टार्ट है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया, कहीं आपका मेथेनॉल भी दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप देखो BH3THF, ये मैंने आपको 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूं बच्चों, अगर अब भी नहीं आता है तो कोई सेंस नहीं है बच्चों, मतलब नहीं है बच्चों, अगर अब भी नहीं आता है तो। BH3THF एंटी मार्कोनिकोफ टाइप रिएक्शन है, बताया था। तो ये आपका यहाँ पर जो आपका एक्स प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोफ। आप चाहे तो मैकेनिज्म लिख के करो, आप लोगों की एक गंदी आदत है, आप लोग मैकेनिज्म लिख के नहीं करते, आप लोग मैकेनिज्म लिख के तीन चार बार आप लोग मैकेनिज्म लिख के क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद जब आपको याद हो जाए तब आप मैकेनिज्म ना लिखो तो सही है बच्चों। तो यहाँ पर OH, क्योंकि मैं भी आपको जब भी बताता हूँ मैकेनिज्म के थ्रू इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से मैकेनिज्म एक और बार समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, फिर तो अच्छी बात नहीं है ना,
फिर यहाँ पर Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका O माइनस Na प्लस और यहाँ पर आपका Cl। अब ये तो आपको चमक रहा होगा बच्चों, यहाँ पर तो ये आपका इस तरफ अटैक करेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस रिएक्शन क्या बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खराब कर दिया है, अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे DOU पूछता तब ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो जाता, इस क्वेश्चन का आपको DOU पूछता तब ये क्वेश्चन आपका ज्यादा अच्छा होता। क्यों? DOU इसका कितना आता बच्चों, 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, DOU पूछता तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादा अच्छा आता, ठीक है। या फिर इसको और घुमा सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है, इसका नाम पूछ लेते, कुछ भी पूछ लेते बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। 46 क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों ये तो आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट होते ही ये चीज आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जो आपके सिंगल कार्बन से अटैच हो। देख लेते हैं, मैं एक एक करके सारे कंपाउंड बना देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से बना देता हूँ। CH2OH, ठीक है, यहाँ पर CH2OH। अब देखते हैं यहाँ पर एक एक करके, यहाँ पर सेकंड CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2OH, वेरी गुड। थर्ड आपका क्या है, बेंजीन है, वेरी गुड। CHOH CH3, मैं आपको सब बताऊंगा बच्चों, इसमें CH3 CCH3 CH3 CHOH, ठीक है। एक आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर एक और कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन COH CH3 CH3। एक आपका एक और कंपाउंड है बेंजीन CH2OH। अब यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर CH3CH, हाँ, ये आपका एक कार्बन है और ये आपका केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है। नेक्स्ट, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ये आपका कितने डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि जो अल्कोहल जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। यह आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें CH3 ट्वाइस है बच्चों, ये ठीक है, ये आपका क्या होगा CH3 ट्वाइस CH, ये आपका इस तरीके से, ये आपका क्या है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला बच्चों, जो आपका इस तरीके से लिखा है, तो ध्यान से समझना, ये वाले की बात कर रहा हूँ बच्चों में, CH3 ट्वाइस CHOH, ये आपको ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल कितने हुए बच्चों, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 46। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में बच्चों आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने, किसके, C5H12O के, ठीक है, स्ट्रक्चरल बताने, ठीक है, इथर का वाला। तो DOU में कभी चेंजेस नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल DOU में कभी चेंजेस नहीं करेंगे। तो DOU तो इसका कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, तो DOU 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, CH3 O CH2 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 CH3। IUPAC नेम में चेंज हो जाने चाहिए बच्चों, IUPAC नेम में चेंज अगर होगा तो चलेगा। थर्ड आपका कौन सा होगा बच्चों, CH3 CH OCH3 CH2 CH3, ठीक है। फोर्थ आपका कौन सा हो सकता है बच्चों, फोर्थ तो सोचते हैं CH3 CO C2H5 CH3, ऐसा हो जाएगा, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन काउंट करते जाना, 4 बना दिए, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बन सकता है, ये जब आपका इस कॉर्नर पे चला गया, ये वाला काउंट कर लिया, ये वाला काउंट कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब इसके अलावा और कौन सा बन सकता है, इसके अलावा ऐसा भी बन सकता है बच्चों, फिफ्थ ओ सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री
CH3 यही बन सकता है, ठीक है। और आपका फिफ्थ के बाद सिक्स आपका कैसे बन सकता है बच्चों, CH3 CH3 CHO CH3 CH2 CH3, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स। अब ध्यान से देखोगे तो सबका IUPAC नेम डिफर कर रहा है, सबका IUPAC नेम आपका डिफर कर रहा होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखना चाहूं तो क्या जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम लिखना चाहो तो क्या जाएगा बच्चों, 2-methoxybutane। इसका नाम लिखना चाहो तो क्या जाएगा, methoxybutane। यहां पर 2-methoxy है, पोजिशनल आइसोमर, दीज आर द पोजिशनल आइसोमर टू ईच अदर, ध्यान रखना। इसका 2-ethoxypropane पोजिशनल आइसोमर, इसका क्या होगा नाम बताओ, यहां पर 1-2-3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहां पर क्या होगा, 2-methoxy-2-methylpropane, यहां पर 1-2-3 2-ethoxypropane। ये सारे IUPAC नेम इसके अलग है, तो आप IUPAC नेम अलग होगा तो ही आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा बच्चों, इस बात का ख्याल रहे आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर 47 हो गया, अब देखते हैं 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय विलियमसन सिंथेसाइजेस रिएक्शन। बच्चों देखो, विलियमसन सिंथेसाइजेस से कौन सा प्रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम यहां पर केवल और केवल करेक्ट पाथ बनाएंगे, ठीक है। अब हम करेक्ट पाथ बनाते हैं, देखो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से Na के प्रेजेंस में, मतलब हम इस तरीके से SN2 पाथवे के थ्रू बना सकते हैं, ये सही है। सेकंड C6O C6 SN2 पाथवे के थ्रू हमको बनाना है, तो यहां पर कुछ ऐसा। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CCH3 CH3 O C CH3 CH3 CH3। अब देखो यहां पर CH3 CCH3 CH3 O minus Na plus, यहां पर CH3 CCH3 CH3X, यहां पर 3 degree मतलब टर्शरी हैलाइड आपका नहीं हो सकता, गलत। नेक्स्ट CH3 CCH3 CH3 COCH3, यहां पर SN2 पाथवे के थ्रू CH3 CCH3 O minus Na plus, और यहां पर CH3X, करेक्ट है। नेक्स्ट बेंजीन CH2 OCH3 SN2 पाथवे, ठीक है, यहां पर CH2X और यहां पर CH3O minus Na, करेक्ट है। तो कौन से केवल और केवल इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर होगा 2। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनल ब्यूटेन और यहां पर एथॉक्सी ब्यूटेन और ब्यूटेनॉल, 4 कंपाउंड है। इफ 4 बोटल इज इक्वली हीटेड इक्वली, बोटल इन विच कंपाउंड टेक मैक्सिमम टाइम टू बॉइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 49 को बच्चों, यहां पर ब्यूटेनॉल, बहुत अच्छा, आपका कौन सा है, ब्यूटेन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपका कौन सा है, इथॉक्सी एथेन, वेरी गुड। और आपका कौन सा है, ब्यूटेनॉल। बेटा ये क्वेश्चन काफी इजी था, अब बताओ कौन सा आपका ज्यादा टाइम के लिए बॉइल होगा, किसमें आपका ज्यादा टाइम लगेगा बॉइल करने में बच्चों, सबसे सिंपल और सबसे इजी, अल्कोहल हैव टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ 2
थ्रू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट्स व्हाई alcohol having high value of boiling point, having high value of boiling point की ज्यादा value होगी, और boiling point की ज्यादा value होगी तो ज्यादा time कौन लेगा? ये आपका fourth था, ये आपका third था, ये आपका two था, ये आपका one था, तो कौन लेगा बच्चों? Answer is four. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. 50 question बच्चों, अगर 50 question नहीं आया अगर आपको, तो I hope कि आप लोगों ने पढ़ाई की होगी. आप इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी. ये क्या है? पायरोगैलोल. मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, सब बताया था. कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप विल बी व्हाट? 3. तो इसका आंसर कितना आएगा? 3. आई होप कि बच्चों अब आपको पूरा पेपर अच्छे से डिस्कस हो गया है. सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कस लिया है, पॉइंट वाइज लिया है. तो आपको क्या करना है कि पेपर को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है. पेपर और उसके सॉल्यूशन देख के अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, और उसको एक बार रिवाइज करना है, और अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करना है. अगर आपने अपनी मिस्टेक को एनालिसिस कर लिया तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा पेपर समझ में आया होगा, आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू सो मच.